पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर प्रथम एल्युमनाई मीट समज्जा 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना 25 सितंबर 2002 को महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 का अधिनियम संख्या 15 के अंतर्गत की गई। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 सोमवार दिनांक 10 मार्च 2003 को करवड़ जोधपुर के कुल 854 बीघा 3 बिस्वा आवंटित भूमि पर भवन निर्माण का शिलान्यास एवं शुभारंभ लोकप्रिय एवं जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब द्वारा किया गया। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय UGC एक्ट 1956 की धारा 2F के अंतर्गत 15 मार्च 2004 से सूचीबद्ध है। यह देश का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के सुनियोजित शिक्षण अनुसंधान एवं विकास की दिशा में कार्य हो रहा है। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर को प्रथम नामित कुलपति के रूप में प्रोफेसर राम हर्ष सिंह जी का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन मिला। आपके कार्यकाल में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्य झालामण जोधपुर स्थित भवन में शुरू किए गए। आपके कार्यकाल के समय में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं नवीन अनुसंधान कार्यों का आरंभ हुआ, साथ ही छात्र छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। आपका कार्यकाल दिनांक 17 फरवरी 2003 से 16 फरवरी 2006 तक रहा। प्रोफेसर रामहर्ष सिंह जी के कार्यकाल के उपरांत प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल जी गौड़ ने राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम चयनित कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल जी गौड़ के नेतृत्व एवं दिशा निर्देशन में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ने चहुमुखी विकास गति प्राप्त की। आपके कार्यकाल में न केवल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खंड एवं आयुर्वेद चिकित्सालय के भवन निर्माण का कार्य संपन्न हुआ, अपितु विश्वविद्यालय के संघटक आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्ययन एवं अध्यापन के क्षेत्र में अप्रतिम प्रगति की। आपके निर्देशन में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का आयुर्विश्व महोत्सव एवं मौलिक सिद्धांत विभाग द्वारा प्रथम सतत चिकित्सा कार्यक्रम का भी सफल आयोजन किया गया। आपके कार्यकाल में आयुष मंत्रालय भारत सरकार की महती शोध परियोजना चरक संहिता चक्रपाणी टीका का हिंदी अनुवाद जैसा ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ। आपने ऐतिहासिक कार्य के रूप में तत्कालीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद में शिक्षकों का नियमित चयन कर शिक्षण संस्थान को अविस्मरणीय पहचान दिलवाई। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ एवं जोधपुर शहर की 150 से अधिक समाज सेवी संस्थाओं ने नागरिक अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन कर आपका नागरिक अभिनंदन किया। आपका कार्यकाल दिनांक 27 मार्च 2006 से 16 मार्च 2011 तक रहा। प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा जी द्वितीय एवं तृतीय चयनित कुलपति के रूप में क्रमशः दिनांक 25 मई 2011 एवं 19 फरवरी 2016 को राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का पदभार ग्रहण किया। आपके कार्यकाल के दौरान अतिथि भवन, स्नातक महिला छात्रावास, स्नातकोत्तर महिला छात्रावास, छात्र छात्रावास, कैंटीन, रसायनशाला, केंद्रीय पुस्तकालय, 37 स्टाफ आवासीय भवन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सालय भवन विस्तार,
पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं टोंक में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी के महाविद्यालय का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। साथ ही यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद जोधपुर के 11 विषयों में 66 सीटों पर स्टाइपेंडरी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए। आपके कार्यकाल में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद में स्नातक सीटों का विस्तार 50 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया। आप द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय के अतिरिक्त जोधपुर शहर के मगरा पूंजला क्षेत्र में आयुर्वेद सैटेलाइट चिकित्सालय का प्रारंभ किया गया। विश्वविद्यालय के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कॉमार कॉन 2019 का सफल आयोजन भी आपके कार्यकाल में संपन्न हुआ। आपके कार्यकाल में अनेक संस्थाओं से MOU हुए, जिससे विश्वविद्यालय को शिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान मिली। इस दौरान विश्वविद्यालय के 2 दीक्षांत समारोह भी आयोजित किए गए। इसी कार्यकाल में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम संशोधित कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर कर दिया गया। आपने आयुर्वेद कॉलेज के शेष रिक्त रहे शिक्षकों की भर्ती को पूर्ण कर संघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद को स्थायित्व प्रदान किया। आपका प्रथम एवं द्वितीय कार्यकाल क्रमशः 25 मई 2011 से 16 सितंबर 2015 एवं 19 फरवरी 2016 से 18 फरवरी 2019 तक रहा। चतुर्थ चयनित कुलपति के रूप में विश्वविद्यालय को प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार जी का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन मिला। तृतीय दीक्षांत समारोह एवं वर्चुअल मोड में चतुर्थ एवं पंचम दीक्षांत समारोह आपके ही मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आपके कुशल नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की प्रथम एवं द्वितीय लहर के दौरान विश्वविद्यालय की चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान स्थापित हुई। आपने अनेकों संस्थाओं से MOU किए, जिससे आयुर्वेद के अनुसंधान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिली। आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय द्वारा अनेकों शोध परियोजनाओं पर कार्य संपन्न हुए, जिससे विश्वविद्यालय ने अपनी उपस्थिति वैश्विक पटल पर दर्ज करवाई। आपकी शोध परियोजनाओं में से एक परियोजना IIT के साथ आयुटेक से प्रारंभ हुई, जो कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार से फंडेड है। यह परियोजना वर्तमान में भी प्रगति पर है। साथ ही वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ एवं सुश्रुत ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य आपके कार्यकाल में प्रगति पर था। आपके अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर मिला, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। आपके कार्यकाल में आयुष शिक्षकों द्वारा 2,250 से अधिक वीडियो लेक्चर तैयार कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर छात्र छात्राओं के लिए कोविड महामारी के दौरान उपलब्ध कराए गए, जिसकी आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने भूरी भूरी प्रशंसा की। आपके सेवाकाल के दौरान साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सा प्रोटोकॉल पुस्तिका, लंपी आयुर्वेद चिकित्सा प्रोटोकॉल एवं स्वर्ण प्राशन प्रोटोकॉल पुस्तिका विकसित की गई। आपके सेवाकाल में विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर तथा केकड़ी एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साइंस में क्रमशः BHMS एवं BNYS स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। आपका कार्यकाल दिनांक 13 सितंबर 2019 से 12 सितंबर 2022 तक रहा। पंचम कुलपति के रूप में विश्वविद्यालय को प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आपके कुशल नेतृत्व में 6th दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के स्वयं के सुश्रुत ऑडिटोरियम में विगत 10 मार्च 2023 को संपन्न हुआ, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सुश्रुत ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया गया। साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 6th दीक्षांत समारोह में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की 4 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया।
आपके कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर, DTL लैब, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी एवं नेचुरोपैथी के कॉलेज, अस्पताल एवं छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आपके मार्गदर्शन में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की विश्वविद्यालय स्तर पर 4 शोध परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। IIT परिसर में प्रथम बार आयुष OPD, जोधपुर के समीपवर्ती गांवों में आयुष आपके द्वार के तहत चल चिकित्सा शिविरों का आयोजन आपकी दूरगामी दृष्टि को दर्शाता है। प्रथम बार पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अध्येताओं के लिए आपके द्वारा साप्ताहिक सेमिनार प्रारंभ किए गए ताकि स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसंधान कार्य उत्तम हो सके। आपके अब तक के संक्षिप्त कार्यकाल में आपने कैंपस का सौंदर्यीकरण कर एवं विभिन्न शिलाओं पर चित्रकारी करवाकर आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कायाकल्प कर दिया। साथ ही संपूर्ण विश्वविद्यालय के परिसर में टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण, 250 सहजन एवं अन्य औषधीय पौधों को लगवाया, जिससे आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आने वाले सभी आगंतुक विश्वविद्यालय को हरा भरा देख प्रफुल्लित हो उठते हैं। विश्वविद्यालय को NAAC ग्रेडिंग, चिकित्सालय को NABH ग्रेडिंग और केंद्रीय पैथोलॉजी लैब NABL ग्रेडिंग का कार्य आपके प्रयासों से ही शीघ्र साकार रूप लेगा। आज दिनांक 25 मार्च 2023 को आयुर्वेद विश्वविद्यालय के संघटक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जोधपुर के पूर्व छात्र छात्राओं का प्रथम एलुमनाई मीट 2023 के कार्यक्रम के आयोजन का संपूर्ण श्रेय आपको ही जाता है। आपने आयुर्वेद सोसाइटी जापान के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझ पत्र MOU हस्ताक्षर कर आयुर्वेद शिक्षण प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार को नवीन बुलंदियां प्रदान की। आपके निर्देशानुसार विशेष आयुर्वेद कैंप जैसे नासूर एवं भगंदर के लिए शल्य चिकित्सा शिविर, अग्निकर्म जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्राशन शिविरों का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने विश्वविद्यालय द्वारा आमजन को दी जाने वाली पंचकर्म चिकित्सा सुविधाओं एवं बच्चों के लिए चलाए जा रहे स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम पर जोधपुर में आयोजित उद्योग हस्तशिल्प मेले में प्रशंसा की। इस मेले में आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के लिए विश्वविद्यालय को प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय आरोग्य मेले में आपकी एवं आयुष मंत्री राजस्थान सरकार श्री सुभाष गर्ग के पावन सानिध्य में विश्वविद्यालय की टीम द्वारा चिकित्सा एवं योग के क्षेत्र में सेवाएँ दी गई। जोधपुर में आयोजित G20 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में विश्वविद्यालय की योगा टीम द्वारा प्रातःकालीन बेला में विशेष मेहमानों को योग अभ्यास कराए जाने के लिए जिला कलेक्टर महोदय द्वारा योगा टीम की प्रशंसा करते हुए आपके प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही साथ आपके निर्देशन में आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अंतर कक्षीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयुर्घोष 2022 का भी आयोजन किया गया। आपके द्वारा गणतंत्र दिवस पर सामूहिक योग अभ्यास, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यावारिधि PhD की प्रवेश परीक्षा, वृक्षारोपण एवं वृक्षों की सुरक्षा संबंधी कार्य किए गए। हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि यह आपके अथक प्रयासों से भविष्य में आयुर्वेद विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अमिट पहचान बनाएगा। वर्तमान में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलसचिव श्रीमती सीमा कविया जी, वित्त नियंत्रक श्री मंगलाराम विश्नोई जी, उप कुलसचिव प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा जी एवं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजाराम अग्रवाल जी हैं। ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जिसका पूर्व नाम क्रमशः आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्टडीज एंड रिसर्च जोधपुर था, के प्राचार्य के रूप में डॉक्टर सुशील शर्मा जी, डॉक्टर शशिकांत सचान जी, प्रोफेसर प्रेमचंद शर्मा जी,
डॉक्टर भैरव सिंह मीणा जी ने कार्य किया। उसके उपरांत प्रोफेसर के गोवर्धन जी ने दिनांक 23 दिसंबर 2010 से 11 सितंबर 2015 तक एवं प्रोफेसर गोविंद सहाय जी शुक्ला ने दिनांक 11 सितंबर 2015 से 20 अप्रैल 2022 तक कार्य किया। वर्तमान में प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी शर्मा दिनांक 21 अप्रैल 2022 से पीजीआईए जोधपुर के प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं। पीजीआईए जोधपुर के डीन एकेडमिक पद पर प्रोफेसर गोविंद सहाय जी शुक्ला, प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी शर्मा, प्रोफेसर राजेश कुमार जी शर्मा एवं प्रोफेसर ए नीलिमा रेड्डी जी ने कार्य किया। वर्तमान में पीजीआईए जोधपुर के डीन एकेडमिक पद पर प्रोफेसर राजेश कुमार जी शर्मा कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में यूनिवर्सिटी के डीन रिसर्च पद पर प्रोफेसर प्रेम प्रकाश जी व्यास, केंद्रीय पुस्तकालय एवं सीएचआरडी के निदेशक पद पर डॉक्टर राकेश कुमार जी शर्मा, रसायनशाला के निदेशक पद पर डॉक्टर विजयपाल जी त्यागी कार्य कर रहे हैं। वर्कशॉप ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के चेयरमैन प्रोफेसर चंदन सिंह जी हैं। आयुर्वेद चिकित्सालय के अधीक्षक पद पर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी मिश्रा कार्यरत हैं। वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सालय 273 सैया युक्त है। आयुर्वेद चिकित्सालय में नशा मुक्ति कार्यक्रम डॉक्टर ऋतु कपूर जी के निर्देशन में कार्यरत है। खेल एवं छात्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर गोविंद प्रसाद जी गुप्ता कार्यरत हैं। प्रथम एलुमनाई मीट 2023 के सफल आयोजन हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रोफेसर गोविंद प्रसाद जी गुप्ता को आयोजन चेयरमैन, डॉक्टर मनोज अदलखा जी को आयोजन सचिव, डॉक्टर दिनेश चंद्र जी शर्मा एवं डॉक्टर हरीश कुमार जी सिंघल को संगठन सचिव नियुक्त किया गया है। पीजीआईए जोधपुर की प्रथम एलुमनाई मीट के सोलो इवेंट पार्टनर के रूप में डाबर इंडिया लिमिटेड है। विश्वविद्यालय परिवार डाबर इंडिया लिमिटेड का आभार व्यक्त करता है।